ये एक पिक्चर के गाना है, सूफी सॉन्ग है, कवाली है, और एक आशिक, फिल्म का नाम है अनजाना आशिक, अनजान आशिक। तो इस फिल्म का कोई हीरो हीरोइन वही जो होता है कि बेवफाई मिलती है हीरो को, और दरगाहों में घूम घूम के फरियाद करता है कि बस मेरा यार मिला दे उसी तरह, और क्या, भर दो मेरी झोली खाली, वास्ता आपको पंजतन का, यही वर्डिंग है। तो इस तरह वो कवाली बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। ये अपने म्यूजिक डायरेक्टर हैं, नए म्यूजिक डायरेक्टर हैं अफरोज खान, उन्होंने बनाया और अच्छा हो गया गाना, अच्छा हो गया। भैया एक दो नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे चाहने वाले ऐसे ऐसे दीवाने हैं कि आज तो खैर फेसबुक का ज़माना है, तो बहुत ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, इतने इमोशनल होते हैं वो लोग, रोते हैं, क्या क्या नहीं कहते। आप तो, मैं आपका भक्त हूँ, बेइंतहा प्यार करते हैं लोग, एक एक मिलने के लिए, छूने के लिए भी बेचैन रहते हैं। बहुत प्यार मिला भैया, मैंने जो भी काम किया है उसका रिजल्ट इंडस्ट्री में कुछ मिला है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वहाँ पब्लिक में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग आज भी प्रोग्राम में जाता हूँ तो हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं मेरा प्रोग्राम सुनने के लिए, देखने के लिए। होता ये है कि बहुत सारे होते हैं और हमें खुद को नहीं पता होता कि कौन सा बार आना है, कौन सा नहीं आना, बिकॉज इट्स लाइक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो गाने सभी के आने चाहिए बाहर, तो बस उसी लाइन में हम, उसी जद्दोजहद में हम भी लगे हुए हैं। सो इतना ज़्यादा नहीं कह सकता, हाँ कुछ एड्स हैं फिल्म जो फिल्मों से, शॉर्ट फिल्म से परे होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए गाने हैं, वो काफ़ी हैं। सो वो आने वाले हैं, फिल्मों का मैं पक्का नहीं कह सकता। दरअसल अनजाना जो स्पेलिंग है उसके नाम से तो लग रहा है अंजना इश्क, यानी अंजना का इश्क। तो वैसे ये है अनजाना इश्क, तो ये टाइटल से ही अंदाज़ा आ रहा है कि ये एक रोमांटिक फिल्म है और रोमांस है, लव है, और लव स्टोरी हमेशा दर्शकों को, हमेशा मतलब शुरू से ही रहा है कि पसंद आई है। तो जाहिर सी बात है एक लव स्टोरी की वजह से ये फिल्म वाकई में दर्शकों को छुएगी दिल तक और ज़रूर पसंद आएगी।